Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood to Speak. My friend Amar Ansari, आप सभी लोगों का मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर 3 के एक और ऑनसेट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड शुरू करने से पहले कल बहुत लोगों के कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने कांग्रेचुलेशंस कहा, बहुत लोगों ने विश किया, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि जहाँ पर ये पोस्ट आया वहाँ पर भी। कल गाइस सलमान खान फिल्म्स ने अपना जो विघ्नहर्ता का रिव्यू था उसको उन्होंने अपने अकाउंट्स पर पोस्ट किया, सिर्फ ट्विटर पे नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर भी। एंड आई वाज शॉक्ड गाइस, कल इंस्टाग्राम के पोस्ट के नीचे वो गाने को छोड़कर तुम सब लोगों ने मेरे बारे में लिखा कि आमिर अंसारी जो भी आप लोगों का प्यार है वहाँ आपने दिखाया। देखिए गाइस, आज मैं जहाँ भी हूँ, आज जहाँ भी लोग मुझे जानते हैं इंडस्ट्री में, जितनी भी इज्जत है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल। आप लोग का भरोसा है मुझ पर एंड यही मुझे चाहिए। आप लोग इतना प्यार देते हो एंड यही मेरे लिए काफ़ी है एंड आपके प्यार का ही नतीजा है कि आज जो भी हूँ वहाँ पर हूँ। इसी तरह से प्यार बरकरार करिए एंड मेरे तरफ से मैं यही कोशिश करते रहूँगा कि जितना हो सके उतना ईमानदारी से जैसे पहले था आगे भी, चाहे कितना भी आगे बढ़ जाऊँ वैसे ही रहूँ। लेकिन आज का एपिसोड शुरू करते हैं विद द ऑनसेट एपिसोड ऑफ टाइगर 3। वेल फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह ही वहाँ पर हॉट एयर बलूनिंग जहाँ है वहां से ही सारे के सारे क्रू जो है वो लाइव आए थे। एंड गाइस, लोकेशन थोड़ा आगे है वहां से, लेकिन जो हेलीकॉप्टर टीम है उन्होंने ऐलान कर दिया टाइगर 3 शूट बिगिंस। पर मल्टीपल लोकेशंस है गाने के लिए। पिछले दो दिनों से हमने देखा किस तरह से लोकेशंस चेंज कर करके गाने गाए, पहले तो पहाड़ पे चढ़े, फिर नीचे जो सेटअप लगाया था वहां पे कल की एक अलग लोकेशन थी, यस वहां पर भी थे लेकिन बाद में एक और लोकेशन पे गए एंड आज की लोकेशन थोड़ी अलग होगी। तो आज का दिन जैसे जैसे जाएगा वो हम कल एपिसोड जो है उस पर बनाएंगे। बट फ्रेंड्स, कल पूरे का पूरा जो क्रू था वो कैपाडोकिया फेयर जो है तुर्की का बहुत ही मशहूर फेयर है वहां पर गए थे। राजू दादा भी थे एंड यू नो जो घुमान है जग्गी घुमान वो भी वहां गए थे। काफी कॉमेडी हुआ वहां पर एंड वहां के भी कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वो आज सुबेरे के दृश्य है। अब हम बात करेंगे पूरा का पूरा क्रू जो है वो सुहान कैपाडोसिया होटल, ये सिर्फ और सिर्फ क्रू रुका है वहां पर, यानी कि जो डांसर्स लोग हैं वो वहां पर रुके हुए एंड सबका मेकअप वो आप दिखाई दे सकते हो। और फ्रेंड्स, आस्ते आस्ते मैं आपको जितने भी डांसर्स हैं उनके लुक्स दिखाऊंगा। देख सकते हो गाइस, ये एक और जोड़ी है, बहुत ही खूबसूरत महिलाएं हैं, सिर्फ रशिया की नहीं बल्कि इस्तांबुल की भी महिलाएं काफी ज्यादा आकर्षक एंड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। स्क्रीन पर देख सकते हो ये एक और यू नो दृश्य है जहां पर उनका मेकअप जो है होते हुए दिखाई दे रहा है। बट फ्रेंड्स, जो लुक है यानी कि जो मेल आर्टिस्ट का वो काफी ज्यादा वाइल्ड एंड काफी ज्यादा गौरी बोल सकता हूँ। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एक बाइक है एंड इनका जो कॉस्ट्यूम है फैबुलस, आई मीन मल्टी बटन जैकेट्स, बिग चेन इन द नेक एंड टर्बन ऑन द हेड एंड शेड्स, बहुत ही बेहतरीन एंड काफी एजी लुक है डांसर्स का, वो मैं बोल सकता हूँ। एक और लुक है यहाँ पर, मेल डांसर है यानी कि वो खड़े हैं सेट्स पर, वो इनका लुक है। ऑब्वियसली दुपट्टा शायद नहीं होगा उनके सर पे, धूप के कारणवश उन्हें लगाया होगा। एंड हियर इज द कैमल, कल मैंने आपको बोला था तो जो कैमल है जो ऐसा जाता है ऐसा जाता है, ये वीडियो है वो, देख सकते हो जितने भी डांसर्स है कैमल उसके साथ इधर उधर घूम रहा है। कैमल भी वहां पे ऑन सेट पे था, दिखा रहा हूं। एंड दिस इज अ मच मोर क्लियर इमेजेस ऑफ ऑल द डांसर्स ऑफ दिस सॉन्ग। मतलब जब गाना देखोगे तब सब चीजें याद रखना कि हमने ये सब चीजें डिस्कस की थी। एंड देख सकते हो गाइस कितने कलरफुल इमेजेस वहां से आए हैं इन डांसर्स की, उनके लिए तो बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया है। इतना बड़ा बॉलीवुड फिल्म वहां आना, उनको रोजी रोटी मिली, उनको काम मिला, उनको फेम मिला, आगे जाके कितने लोग अपने यू नो उसमें लिखेंगे कि यू नो डांस फॉर अ बॉलीवुड सॉन्ग विद सलमान खान, बहुत बड़ी बात है। ये वहां पर मीटअप पॉइंट है, सारे सारे डांसर्स ही नहीं और वहां पे बहुत सारे ड्रम प्लेयर्स को भी बुलाया गया है जो यहाँ पे हैंग आउट पॉइंट है, ब्रेक के दौरान वो डांस करते हैं। एक और यू नो क्रू मेंबर जो है डांसर यहाँ पे रॉक के ऊपर खड़े आपको दिखाई दे सकता है। दिस इज द मेकअप रूम जहाँ पे सारे के सारे जो आर्टिस्ट है उनका मेकअप हो रहा है। एंड ये है कल का लोकेशन, सलमान भाई के जो मैनेजर है प्रशांत वो यहाँ से लाइव आए थे कल एंड पूरा का पूरा लोकेशन जो है उन्होंने यहाँ पर दिखाया, जो लोकेशन है वो फिलहाल यहाँ पर हो रहा है। ये था कल का जो कॉस्ट्यूम चेंज है, अभी तक मैंने आपको कॉस्ट्यूम जो दिखा है वो फर्स्ट सेकंड डे के थे, ये थर्ड डे का कॉस्ट्यूम है मेल आर्टिस्ट का एंड फीमेल आर्टिस्ट का कॉस्ट्यूम। एंड ये है द ब्यूटीफुल लोकेशन ऑफ यस्टरडे जहां पर पूरी की पूरी शूट जो हो रही है एंड जगह का नाम है गोरेमे सियर तपेसी, तो ये नाम है, मैं प्रोनाउंसिएशन माफी चाहता हूं अगर सही नहीं होगा तो गोयर सियर तपेसी, गोरेमे सियर तपेसी यहां पर कल की शूटिंग जो हो रही थी। एंड दिस इज द हेलीकॉप्टर टीम, इन लोगों ने ऐसे ऐसे ड्रोन शॉट्स कैप्चर किए हैं
छोटे छोटे कैमरा उड़ा उड़ा के हवे में इतना जबरदस्त तरीके से वहां के विजुअल्स आने वाले हैं कि व्हेन यू सी द सॉन्ग यू विल बी इन ऑ विद द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस एंड टूरिज्म तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह इस्तांबुल का बहुत अच्छा है ही, बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे जाते भी है एंड फिल्म के बाद जितने भी लोकेशन है वो और मशहूर हो जाएंगे और ता हिसार खालेसी सारी की सारी जगह है। एक और कल कॉस्ट्यूम चेंज था, ये क्रू मेंबर्स है उनको वेस्ट पहनाई गई थी एंड यहाँ पर स्लैश्ड वेस्ट जो कहते हैं वो दिखाई दे रहा है। कल पूरे टर्की में जिस तरह से वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अजान की आवाजें आती है वहां पे टर्की में वो भी दिखाया गया एंड ये कल का लोकेशन है जहां पर सब क्रू आर्टिस्ट जो है उनका मेकअप हो रहा था। एक और ऑन सेट पिक है जहां का लोकेशन है कल का। तो गाइस कल का दिन काफी रोमांच पूर्वक हुआ, अनफॉर्चुनेटली कटरीना कैफ की एक भी तस्वीर वहां से जो है बाहर नहीं आ रही है। सलमान भाई की भी कल के दिन कोई भी फोटो बाहर नहीं आई, बस जो लोकेशन की पिक है देख सकते हो एरो मार्क जा रहा है लोकेशन की तरफ वो दिखाई दिया। जग्गी भाई राजू भाई वहां पे घूमते हुए गाड़ी में दिखाई दिए एंड इतनी ही पिक्चर्स कल बाहर आई है। देयर इज नो पिक्चर ऑफ सलमान भाई एंड नो पिक्चर ऑफ कटरीना कैफ। गाइस लेट्स सी आज कुछ इमेजेस बाहर आती या नहीं आती, उसके लिए आज के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ये था कल का पूरा तामझाम जो हुआ। अब कल मिलेंगे वापस से एक ऑनसेट लोकेशन एपिसोड में। ओके गाइस होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जो पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल।